यहाँ पर चार नंबर देखते हैं, बहुपद पी एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, 5/3 x² + 3 क्या कह रहा है कि x बराबर 1/2 और 1/3 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x = 1/2 पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे वेरिएबल एक्स की जगह, तो 5/3 गुना में 1/2 का स्क्वायर + 3 यानी आ जाएगा 5/3 × 1/4 + 3 यानी कि 5/12 + 3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 12, तो 5 और + 12 = 36, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर 41 और नीचे आपका 12 हो जाएगा, 41/12। फिर अब हमें 1/3 पे कह रहा है, तो 1/3 पर क्या हो जाएगा, 1/3 पर यहाँ पे पी 1/3 क्या हो जाएगा, 5/3 और गुना में 1/3 का स्क्वायर + 3 यानी कि 5/3 × 1/9 + 3 यानी आ जाएगा 5/27 + 3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 27, 5 + 81 यानी आ जाएगा 86/27, ये आपका बहुपद का मान हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर।